हेलो दोस्तों, हमारी चैनल कुक कला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल से बर्फी। देखिए, मैंने दो नारियल ले लिया है, इसका जो पिछला छिलका है इसे निकाल लेंगे। इस तरह छीलकर इसका जितना काला पार्ट है निकाल देंगे। देखिए, इसी तरह से हम सारे नारियल छील लेंगे। देखिए, मैंने सारे नारियल छील लिया है। इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, काट कर इसे पीस लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे महीन पीस लेंगे बुरादा की तरह। देखिए, मैंने सारे नारियल को पीस लिया है। चलिए बनाते हैं। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, धीमी आंच में इसे थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है, अधिक नहीं सुखाएंगे। धीमी आंच में इसे इसका पानी सुखा लिया है, थोड़ा कलर चेंज हो गया है। चीनी डालेंगे, 200 ग्राम नारियल में 250 ग्राम चीनी डालेंगे। अब अपने हिसाब से कम या ज्यादा मीठा कर सकते हैं। इसे धीमे धीमे गलने देंगे। थोड़ी सी आधा गिलास छोटी गिलास से दूध डालेंगे। लगभग 50 ग्राम खोआ है, मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, इसे डालेंगे। इन सबको एक साथ अच्छी तरह मिलाएंगे। देखिए, मैंने नारियल, दूध और खोआ एक साथ अच्छी तरह से भून लिया है, मिला लिया है। चीनी भी मेल्ट हो गया है। देखिए, कढ़ाई छोड़ दिया है, अब ये हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला है, खोआ डाला हुआ था, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो, अगर आपके पास खोआ नहीं है, तो मिल्क पाउडर डाल सकती हैं। देखिए, मैंने एक थाली में चिकना लगा लिया है, देसी घी लगाया है। व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं देसी घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी समय हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिला देंगे। मिलाकर इसी में फैलाकर, देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है। जो नारियल का छिलका बचा हुआ था उसे मैंने, उसका पाउडर बनाकर इसी पर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। इलायची पाउडर और नारियल का छिलका, ये आप चाहें तो काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब भी लगा सकती हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कच्चे नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए, आप कच्चे नारियल की बर्फी व्रत में भी बना के खा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक कच्चे नारियल का बर्फी कैसा लगा। थैंक यू।